करता हूँ जीके भाई योगेश्वर चैनल में आपका। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये सब्सक्राइब का बटन ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसके बाद चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो सभी आप तक पहुँच सकें, तो आशा करता हूँ सभी वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये मेल कांस्टेबल फर्स्ट क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का, हरियाणा केस किस स्थान पर 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा? तो गोरखपुर यूपी में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है शक्ति स्थानांतरण, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, 370। और नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनें, अम्बाला महीना में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, एक दोनों दोनों सत्य हैं, या पहले की सही व्याख्या है? तो ये भी दोनों सही हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है, यह है करनाल में। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो सूरदास थे अकबर के समकालीन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ क्या है? तो साक्ष्य का अर्थ है दोस्तों मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, और ए बी दोनों इसके यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्रों के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो वो है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनिए, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु, और अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र, एमपी मध्य प्रदेश में है। तो इसका केवल एक सही है, जिंजी फोर्ट अजंता एलोरा, क्योंकि महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हरियाणा का वह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो उसका नाम है बाल मुकुंद गुप्त। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है प्रसव। भारतीय संविधान के समानता का अधिकार के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करें? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर हैं। 17 अस्पृश्यता का निषेध है। और अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन। तो दोस्तों 4 इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें 1, 2, 3 शामिल होंगे, तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। समीकरण विस्तार में दूसरा तीसरा चौथे पदों का गुणांक तक समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे एन का मान पूछा गया है, तो यहाँ जो एन का मान होगा वो दोस्तों होगा हमारा 7। यहाँ पे 7 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो वो देश शामिल नहीं है म्यांमार। भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद यहाँ पे विधि मंत्री हैं। सोडियम प्रकाश का जो आंसर होगा इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, मत्स्य पालन से इसका संबंध है, और दिए गए स्थान समय में वायुमंडल की स्थिति है वो कहते हैं मौसम। नेक्स्ट है, इस प्रोग्राम का निर्गत क्या है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर ए हो जाएगा। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु तो उत्तरदायी है, तो हरियाणा में जो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो वो है सी, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, दो आवंटनों की भिन्नता का गुणांक 50 से 60 और उनका अंकगणित मान 30-25 तक, उनका मानक विचलन का अंतर क्या होगा? तो ये होगा 0। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो थे देवीलाल। नेक्स्ट, जब संख्याएं 503, 325, 639, 841, 792 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में अंकों क्रम पलटने के बाद शीर्ष तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट दोस्तों, साहिवाल की एक किस्म है गाय,
कौन सा फंक्शन की पाइथन में कंस्ट्रक्शन की भांति कार्य करता है? तो ये काम करता है बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, पाइथन जो काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे वो है सोनीपत। सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज संभव नहीं है। नेक्स्ट, एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है या उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूशंस। 20 का सही हो जाएगा, ये जो विभाज्य दिया गया है 29 क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका करेक्ट होगा। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया 1014 में, जो महमूद गजनबी था। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, तो वो है रमेश कुंतल मेघ। नेक्स्ट है, इस महिला ने यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जैसे बाद में बेटी बचाओ बेटी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों अनु कुमारी। नेक्स्ट है 0 और 50, ये सोनीपत से अनु कुमारी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है? तो यह 625। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह बिंदु जहाँ से आरंभ किया वो कहाँ है? तो यह होगा पश्चिम में। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत बन गया एक डोमिनियन राज्य। सॉरी, शीत युद्ध में संबंध निम्न में से कौन सी कथन गलत है, कौन सा है? तो यूएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे भाग शामिल नहीं थे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और नेक्स्ट है जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका अल्फा हो जाएगा दोस्तों, अल्फा होगा इसका, अल्फा करेक्ट होगा। एंजाइम ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड जो चेंज करते हैं वो जाइलम होते हैं, और टेन चीटा का होगा इसका एक हो जाएगा, 40 का, 41 का हो जाएगा कौशिक, यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है, तो किस क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? तो यह है भिवानी, खसरा और रुबेला द्वारा होता है, तो ये होते हैं वायरस के कारण, विषाणु के कारण। तो कौन सी उंगली कितनी बार 1, 3, 7 आए और 7 बीच में हो और 1, 3 उनके आगे दोनों ओर हों, तो 3 बार आता है। 45 क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका बी हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से होता है? गोगा नवमी पर। और 3 समुच्चय जो पद दिए हैं ABC के लिए यदि, तो यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु भारतीय पुरस्कार मिला है, तो ये हैं बलजिंदर कौर। 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए? ऑस्ट्रेलिया में। और संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा विधेयक संसद में यहाँ पे पास हुआ है या कौन सा गलत है? तो इसमें एक गलत रहेगा पहला। नेक्स्ट है, 23 दलों का यूनिप सीसी 2017 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ बॉन में। एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक संप्रेत और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सभी हैं उपरोक्त सभी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और लैन। नेक्स्ट है, तथ्य खालिस्तान हो सकता है, तो इसमें जो तथ्य होता है वो है भौतिक और मनोवैज्ञानिक। जिले को श्री पद जनपद कहते हैं कुरुक्षेत्र को। वह सिंगला ज्ञात करें इसमें आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं, चौधरी
छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो जो मासिक पत्रिका है हरि प्रभा, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर कहलाती है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हॉली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू के क्षेत्र में। और आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रह होते हैं चार, जो पहले ग्रह होते हैं दोस्तों। नेटक किसी प्रकार के मानव क्रम में सूचकांक है, ये निर्विक निर्विकल्प कहलाता है, तो उसे कहते हैं ट्यूपल। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 विद्यार्थी खेलते हैं, 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, 10 दोनों खेल खेलते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या जो न तो टेनिस खेलते हैं न क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी दोस्तों कितनी संख्या हो जाएगी? उनकी हो जाएगी 25। सूरजमुखी अपरा रोपण के खालिस्तान उपरोक्त का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आराध्य अपरोपण। पशु और भैंस परिवार से आते हैं, तो ये जिस परिवार में आते हैं उसे कहते हैं हम बोवड़ी, यानी इनमें से कोई नहीं। लड़कियों की पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं और लीना जो दाएं से 7वीं हैं अपने स्थानों को आपस में बदलती हैं, तो सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो 21। पूर्व ईसाई युग में योद्धे जनगण से जुड़ा है। 1916 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के की श्रृंखला कहाँ से? खोखरा कोट रोहतक में ही मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो ये है लोथल, जो प्राचीन पतन। वह राजमार्ग किस्म चाहिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिहारी है प्रतिरोधी है, तो यह पूसा कोमल। और 70 क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया? तो आया 1 सितंबर 1872। ए बी से धनी है, बी सी से धनी है, डी से धनी है, तो इस टाइप से दिया गया है, पूरे क्रम में बिठाया जाता है। तो मध्य में कौन होता है? तो होगा सी। किन दो महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? तो समान कैलेंडर होता है यहाँ पे अप्रैल और जुलाई का। 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये की थी हेमू ने, हेमचंद्र विक्रमादित्य। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां होती हैं, तो यहाँ पे जो प्राप्तियां होती हैं जो 2 की बराबर 6 होगी तो 64 हो जाएगा, 64 होगा करेक्ट। स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया जा गया तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया है रामास्वामी नायर। नेक्स्ट है, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? तो यह है डॉट नेट। एक बैग में 5 लाल 3 नीली, और यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 77 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को पूछा गया है, तो इसका होगा 15/56। एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1/27। कूट का निर्गत होता क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एरर फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ 2013 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनगणना जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट? तो ये रही 2.09, तो ए इज करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों से शब्द आउटरेजेस के अक्षरों के प्रयोग करते हुए न बनाया जा सके तो कौन शब्द होगा? डी। AT3 जब एक प्रोग्राम के निष्पादन दौरान एक नाम से आमना सामना होता है तो किस क्रम को वो खोजता है? तो होता है डी, स्थानीय चकबंदी फंक्शन वेस्ट की और उसी में निर्मित चिली सोरा NaNO3 होता है चिली सोरा का। और समीकरण होती है जो मैथ की के का मान है ताकि इसके दो समान मूल हों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 और 6।
नेक्स्ट है 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। और नेक्स्ट है हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है तो है हरियाणा संवाद। दोस्तों इसका अनुमान लगाना है 88 क्वेश्चन का, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4-4। नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 89, यस्टरडे इवनिंग द फोन, करेक्ट फॉर्म भरनी है तो RANG, रेंज इसमें आ जाएगा रंग। व्हाट इज द दैट नॉइज, व्हाट तो आ जाएगा इज हैपन्ड, इज हैपनिंग। और 91 में आ जाएगा एडजेक्टिव। 95 देख लीजिए दोस्तों, दांत उंगली दबाना आश्चर्य होना, हम आंखों से देखते हैं, वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? तो करण कारक होगा। और इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, LIC इज नो मोर, तो इंटरजेक्शन। और फिर इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन एट। और 94 में जो प्रेपोजिशन होगा वो हमारे जो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्यूरल एनिमल, तो इसमें आ जाएगा हमारा विद। और 98 क्वेश्चन है लड़की जाती है या वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लड़की जा रही थी। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? यात्रियों के समूह को कहते हैं दोस्तों काफिला। और किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक।